पौड़ी में रविवार को एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। सात लोग कुल मिलाकर इसमें सवार थे। घायलों को एसडीआरएफ की टीम ने सीएससी में भर्ती कराया जहां से दो लोगों को गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर से दो लोगों को ऋषिकेश एम्स लाया गया। दरअसल कठुली गाँव से कार बारातियों को लेकर जा रही थी। गाँव वालों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जो घटना हुई है तुरंत दोनों मरीजों को हम यहाँ ले आए हैं और अभी तुरंत उनका उपचार शुरू हो गया है। मैं कह सकता हूँ कि जो संभव हो सकता है ये सड़क हादसा होती एसडीआरएफ की टीम हमारी मौजूद थी जिसने सभी को बिल्कुल हाथ चारे करते हुए जो मृतक थे उनको भी निकाला है। घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया टाइम रहते हुए और तीन जिसमें चार लोग मृत हो गए हैं और तीन घायल हैं इसमें से दो को एयरलिफ्ट करके हमने एम्स में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशक क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर बताया जा रहा है कि शराब पीकर जो वाहन चालक है वो ये तो जब जांच होगी उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा क्या कारण रहा। फिलहाल तो हम क्योंकि सबसे पहले हमें उनको बचाना था जो घायल थे। पौड़ी हादसे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा, अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता देने हेतु प्रतिबद्ध है। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया। रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और ऋषिकेश एम्स में हादसे में घायल लोगों से उनका हालचाल जाना, साथ ही एम्स में भर्ती अपनी मां के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली गई। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मां से मुलाकात की है सीएम योगी ने और साथ ही ऋषिकेश एम्स में जो भर्ती घायल हैं रुद्रप्रयाग हादसे के उनसे भी मुलाकात की है। रुद्रप्रयाग हादसे में घायल दो युवकों को ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। एक युवक हल्द्वानी और एक यूपी के मथुरा का रहने वाला है। दोनों शनिवार को बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे का शिकार हुए थे। दोनों का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। आपको बता दें शनिवार को रुद्रप्रयाग में गाड़ी 400 मीटर नीचे नदी में गिर गई थी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हुए थे जिनमें से कुछ का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है और कुछ घायल रुद्रप्रयाग अस्पताल में थे। अब उनमें से दो घायलों का रविवार को ऋषिकेश एम्स उन्हें शिफ्ट किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे और सीएम पेयजल और जंगल की आग को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी विकास कामों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। ऋषिकेश एम्स में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया। एक डॉक्टर पर महिला नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ऋषिकेश एम्स में बवाल, थप्पड़ का आरोप और जोरदार हंगामा। एक तरफ डॉक्टर है तो दूसरी तरफ अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर, दोनों की गर्मागर्म बहस हो रही है। कहा सुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई जिसके बाद तो दोनों ने शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। ये कितना बदतमीज इंसान है।
बेवकूफ औरत कुछ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना गंदा मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से निकल, तू निकल, बेवकूफ लड़की, तू है बेवकूफ, तू है जो तू बोल रहा है तू सब है यार, सब है तू। मौके पर दूसरे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी है। दोनों को समझाने की भरसक कोशिश हुई लेकिन दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। कोई भी समझने को राजी नहीं है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। किसी तरह डॉक्टर को वहां से दूसरी जगह ले जाया गया। आप सिर्फ अपने ईगो के बारे में बात करें, मैं पेशेंट के बारे में बात करूं। ले जाइए यहाँ से, आप क्यों नहीं समझ रहे? उधर मास्क कैजुअलिटी आई हुई है, आपको कुछ अक्ल है कि नहीं यार? मेरे को है, मैं इस वार्ड में काम कर रही हूं, है मेरे को अक्ल। अरे यार ये मेरे पहला पेशेंट ले गया, पर्सनल ईगो का इशू बना रही हो तुम। पेशेंट को यहाँ से ले जाओ प्लीज, मास्क कैजुअलिटी है, नहीं समझ में आ रहा क्या? घटना शनिवार की बताई जा रही है। आरोप है कि यहां डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को चांटा जड़ दिया। वाद विवाद शुरू होने के बाद तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोप है कि रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए यात्रियों के लिए ऑपरेशन थिएटर को खाली कराया जा रहा था। इसी बात को लेकर डॉक्टर और महिला नर्सिंग ऑफिसर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। गुस्साए नर्सिंग अधिकारियों ने सीएमएस ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर मामले में कार्रवाई की मांग की। फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले दिनों ऋषिकेश का एम्स अचानक चर्चा में आ गया था, जब एक नर्सिंग ऑफिसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसके बाद तो अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। अब एक बार फिर इसी एम्स में बखेड़ा खड़ा हो गया। ऋषिकेश से न्यूज 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट। ये कितना बदतमीज इंसान है, बेवकूफ औरत, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ पर्सनल इतना गंदा मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से निकल, तू निकल, बेवकूफ लड़की, तू है बेवकूफ, तू है जो तू बोल रहा है तू सब है। अरे यार सब है तू। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों में झड़प हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री के गेट पर बाहर कर्मचारियों के दो गुटों में ईंट पत्थर और बेल्ट चलने लगी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग एक दूसरे पर पथराव करते और बेल्ट से हमले करते नजर आ रहे हैं। मारपीट की घटना में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान कर्मचारियों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते वो झड़प में तब्दील हो गई और कर्मचारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। घायल पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच जारी है। देहरादून में इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में सभी को आने वाले दिनों के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई, तो लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दे दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आगामी चुनाव जीतने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। बीजेपी ने मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव की जिम्मेदारी दोनों क्षेत्रों के सांसदों को सौंपी है। बद्रीनाथ सीट का जिम्मा पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी को सौंपा गया है, तो मंगलौर सीट में चुनाव का जिम्मा हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत संभालेंगे और मंत्री धन सिंह रावत को बद्रीनाथ सीट पर इलेक्शन मैनेजमेंट प्रभारी बनाया गया है, तो मंगलौर में जिम्मेदारी पूर्व मंत्री यतीश्वर आनंद को सौंपी गई है।
क्षेत्र के लोकसभा के सांसद हैं और अनिल बलवानी जी को मैंने पौड़ी लोकसभा के अंदर बद्रीनाथ विधानसभा के पालक के रूप में उनको दायित्व दिया है और त्रिवेणी जी को मंगलोर के विधानसभा के पालक के रूप में रहेंगे। पूरा चुनाव उनकी देखरेख में होगा, उनके नेतृत्व में होगा और बद्रीनाथ और मंगलोर सीट इस बार हम अच्छे मतों से जीते, इसके लिए वो रात दिन पूरे वहां क्षेत्र में प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में उद्यान विभाग में हुए घपले मामले को लेकर सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है और कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घपले की जांच का अब तक खुलासा नहीं हुआ। वहीं हरिद्वार में कृषि विभाग में घपलेबाजी सामने आई। मंत्रियों के विभागों में घपलों को बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने गंभीर मामला बताया है। दुष्यंत गौतम ने बताया है कि इस बात की जानकारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहरा का कहना है कि मंत्रियों के विभागों की जांच होनी चाहिए ताकि घपले सामने आ सके। तो कोई भी हो गंभीर होता है, पारदर्शिता और ईमानदारी से समर्पण भाव से काम करने का हमारा संकल्प है। उस दौरान अगर कोई ऐसी वैसी घटना घटती है तो सरकार पर्याप्त उस पर संज्ञान भी लेती है और काम भी करती है, ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी, तो उसकी भी जांच। इन सारी घटनाओं में मंत्रियों का कितना दोष है? कोऑपरेटिव में जांच होनी चाहिए, जो भर्ती घोटाला हुआ उसमें धन सिंह रावत जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से अन्य विभागों का भी जो विषय है जांच होनी चाहिए। पौड़ी के कुछ अशासकीय स्कूलों में क्लर्क और टीचर्स की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पारदर्शिता सरकार का संकल्प रहा है और सरकार इसी पर काम कर रही है। हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पे भी हमने जांच के लिए कहा है। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, कांग्रेस आज बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए उम्मीदवार घोषित कर सकती है। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी पहले ही अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार चुकी है, ऐसे में माना जा रहा है कांग्रेस भी आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद से आज केदारपुरी का नजारा पूरी तरह से बदल गया है। केदारनाथ का भव्य और दिव्य रूप देने का लगातार काम जारी है। केदारनाथ पुनर्निर्माण काम पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और पीएम मोदी खुद पूरे काम का ब्यौरा अधिकारियों से लेते हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण के 2 जोन के काम पूरे हो गए हैं। वहीं मंदिर के सेंट्रल एक्सेस और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। केदारपुरी के पुनर्निर्माण के अंतर्गत 50 फीट चौड़े गलियारे का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसके अलावा केदारनाथ धाम में 54 मीटर स्पान हेतु का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के आवास भी बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के विजन और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पुनर्निर्माण के कार्य केदारपुरी में चल रहे हैं उससे केदारपुरी एक दिव्य और भव्य स्वरूप लेती जा रही है। आप जानते हैं कि केदारपुरी उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ विकट है, मौसम चुनौती बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं वो तत्परता के साथ में कार्य कर रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वो केदारपुरी को नया स्वरूप प्रदान करने में निरंतर जुटे हुए हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां पर वो 19 जून तक भव्य कथा का आयोजन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे, इसके बाद खाक चौक आश्रम पहुंचकर भगवान बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना की गई। बोल बागेश्वर धाम की।
अब ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों से आदि कैलाश यात्रा की जा सकेगी। दरअसल बीते दिनों स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से सिर्फ स्थानीय गाड़ियां इस रूट पर चल रही थी, लेकिन अब देश भर की गाड़ियां इस रूट पर जा सकती हैं। अगर किसी गाड़ी को रोका गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों से अवैध तरीके से हो रही वसूली को रोकने के लिए भी एक टीम का गठन किया गया है। डीएम ने साफ किया है कि नियमों के तहत ही तीर्थ यात्रियों से शुल्क लिया जाएगा। सारी गाड़ियां, सारी टैक्सी गाड़ियों को जो उनके पास ऑल इंडिया परमिट है उनको भी अलाउ है और सभी को अलाउ है। तो जैसा कि कुछ संज्ञान में आ रहा है कि लोकल्स के द्वारा वहां पर अवैध वसूली की जा रही है, तो इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें एआरटीओ और एसडीएम साहब ने भी मीटिंग ली थी। और अगर इस तरह की घटना कोई संज्ञान में आती है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कड़े एक्शन लेंगे। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मालन नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। ऋतु खंडूरी ने काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मालन पुल बरसात में बाढ़ के चलते टूट गया था, जिसके बाद पुल को दोबारा से बनाया जा रहा है। कोटद्वार विधायक ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही दिसंबर महीने के आखिरी तक पुल को यातायात के लिए सुचारू करने के लिए निर्देश दिए गए। देखिए, मैंने उनको डेडलाइन दी हुई है और उस वक्त तक काम होना चाहिए। और लेट लतीफ़ी की बात हो रही है, लेकिन टेक्निकल काम है, सिस्टम से होता है, तरीके से होता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उनका दिसंबर 24 डेडलाइन है एंड आई एम होपिंग कि उस समय तक बन जाएगा। 100 साल के लंबे इंतजार के बाद जौनसर बावर के आराध्य देव चालदा महाराज अपनी प्रवास यात्रा पर दोहा गांव पहुंचे। इससे पहले महाराज घंटा गांव में थे, जहां पर तकरीबन 20,000 लोगों के साथ महाराज की पालकी देवचिन्ह दोहा गांव पहुंचे। महाराज की पालकी के गांव में पहुंचते ही चालदा महाराज के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चालदा महाराज 2 साल तक दोहा गांव में प्रवास पर रहेंगे। देख सकते हैं, 100 साल के बाद गांव में पधारे हैं इनके आराध्य देव। और 100 साल के बाद ये विशेष संयोग बना है, जिसके चलते 100 साल के बाद देवता का आगमन हुआ है। और विशेष रूप से हमारे खत सेली वालों के लिए कि 100 साल बाद चालदा मासू महाराज हमारे खत में पधार रहे हैं, और हम लोग इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि सबके प्रयास से, जितने हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं खत सेली के, कर्मचारी और खत सेली सेवा समिति, सबके प्रयास से ये सफल होगा, ऐसी हमको पूरी आशा है। प्रवास यात्रा, ये 2 साल से महाराज घंटा गांव में थे, बनगांव में, और घंटा गांव से आज उन्होंने प्रस्थान किया। और दोहा जो खत सेली का जो गांव है, यहां पे भी लगभग 2 वर्ष महाराज यहां पे स्थापित रहेंगे, और 2 वर्ष बाद वो इसके बाद आपके जो आगे उनके प्रस्थान है, वो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जो महाराज का प्रस्थान है वो आपका खत कोरू में होने वाला है।